गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, बैंक एफओ के डेडिकेटेड बैच में पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसके अंदर टॉपिक अपने एक कंप्लीट किया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था मिसिंग नंबर सीरीज, और आज अपने डिस्कस करने वाले हैं रोंग नंबर सीरीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, और जो भी बच्चा आज इस सेशन में जुड़ रहा है, कृपया करके प्रीवियस लेक्चर अवश्य देख लें, ताकि नंबर सीरीज से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से उसको समझ पाए। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, जानते हैं क्या है रोंग नंबर सीरीज और डिफरेंस। आज अपने जानेंगे कि मिसिंग नंबर सीरीज और रोंग नंबर सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। साथियों देखो, अगर अपन समझने का प्रयास करें तो रोंग नंबर सीरीज बेसिकली क्या होगी। रोंग नंबर सीरीज का मतलब होता है कि इस प्रकार से आपको कुछ अंकों की एक सीरीज दी जाएगी, और इस श्रृंखला के अंदर एक नंबर ऐसा होगा जो क्या है, सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब एक पद आपको इसमें गलत चुनना है। कभी कभार एग्जामिनर लिख देता है असंगत पद का चुनाव कीजिए, फिर एग्जामिनर लिख देता है विषम पद का चुनाव कीजिए। इसका मतलब समझते हैं, विषम पद, असंगत पद, यानी कि इसमें से रोंग नंबर निकालना है, रोंग डाटा निकालना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने 2, यहां पर ले लिया मैंने 4, यहां पर ले लिया मैंने 6, यहां पर ले लिया साथियों 8, फिर मैंने ले लिया 8, फिर मैंने ले लिया 10, कुछ इस प्रकार से 12। यस और नो, ये अपने को एक सीरीज दी हुई है साथियों, और इस सीरीज के अंदर अपने को देखते ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस नंबर के अंदर आपको 2 का अंतर दिखाई दे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आगे भी 2 का अंतर आ रहा है, आगे भी 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहां पर फिर से आपका अंतर है वो आपको 2 का नहीं रिप्रेजेंट हो रहा। इसका मतलब इस नंबर में गड़बड़ है। और 2 का अंतर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मैं यहां पे 10 ले सकता हूं? और जैसे ही मैंने 10 लिया साथियों, अब 2 का अंतर आ गया, और 10 और 12 में भी 2 का अंतर सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी सीरीज बन रही है। तो आपका रोंग नंबर क्या था इसमें? ये वाला 8, जो कि आपकी सीरीज में एक गलत पद था, एक विषम पद था, जो सीरीज को गलत कर रहा था। या सुनो, इसी को कहते हैं रोंग नंबर सीरीज। अब इसमें मेथड क्या यूज होगा? बेसिकली जैसे अपने मिसिंग नंबर सीरीज में मेथड यूज किया, डिफरेंस पैटर्न, डबल डिफरेंस पैटर्न, फाइबोनिक सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, ये सारे मल्टीपल सीरीज, स्क्वायर सीरीज, ये सारे के सारे पैटर्न इसमें भी फॉलो होंगे। बस फर्क इतना है, इसको बच्चा कठिन क्यों मान लेता है, कैंडिडेट क्यों कठिन मानता है इस वाले टॉपिक को, रोंग नंबर सीरीज को, क्योंकि वह जज नहीं कर पाता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बात, इसके अंदर आपका सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है माइंड सॉल्विंग मेथड, कि आप दिमाग से कैसे प्रश्न को सोल्व कर रहे हो। दूसरा, नजदीक नजदीक के डाटा हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि सबसे पहले आप अंतर करें, आप डिफरेंस करें। अगर डाटा दूर है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप मल्टीप्लाई को एक बार लगा के देखें, या आप डबल डिफरेंस करके देखें, क्या पता आपकी सीरीज बन रही हो। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स आपको फॉलो करने हैं साथियों, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अब वास्तविक तौर पे आपकी सीरीज है जो बनने लग रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपके समक्ष है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि आपके आधार पर इसका उत्तर क्या बैठेगा। और मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चों का उत्तर आना ही चाहिए, और आना चाहिए। देखिए, 5 को देख के क्या लगता है? अब जैसे आपने अंतर निकाला, तो यहां पर देखिए 3 का अंतर है, क्लोज नंबर है। जैसे मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, तो मैंने डिफरेंस निकालने का प्रयास किया, तो इसका साथियों डिफरेंस कितने का बनेगा? तो मैं अगर इसका डिफरेंस देखूं तो ये आपका 9 का डिफरेंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 और 24 के अंदर जैसे मैंने अंतर को देखा, तो ये आपके कितने का अंतर बनेगा साथियों? ये आपके 7 का अंतर बनेगा। आया ना? अब इसका मतलब है कि सर यहां 3, यहां 9, यहां 7, मतलब अंतर तो सेट नहीं बैठ रहा, फिर डिफरेंस तो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा, तो फिर सर क्या करें? आइए चलिए दूसरा पैटर्न फॉलो करवा के देखते हैं, क्या पता सीरीज बन जाए। ये आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको करवा के बता रहा हूं। चलो ध्यान दीजिए, 5 किसी के स्क्वायर के नंबर के आसपास है क्या? बिल्कुल। कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो क्या 5 बन जाएगा क्या? चलिए 8। अगर मैं 3 का स्क्वायर करके 1 कम कर दूं तो 8 बन जाएगा क्या? चलिए अगर 4 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर दूं, 16 और 1 17। 24 में देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर करके 1 कम कर दूं, 25 में से 1 कम कर दिया 24, फिर 25,
छह का स्क्वायर करके प्लस वन करना था मेरे को भाई। एक प्लस हो रहा, एक माइनस हो रहा, एक प्लस हो रहा, एक माइनस हो रहा, एक प्लस हो रहा, तो आगे माइनस होगा, यानी छह की स्क्वायर 36 और एक प्लस कर दिया तो यहां क्या बनेगा मेरे बच्चों, 37 बनना चाहिए था, यानी कि गलत पद क्या रहेगा आपका, 25 रहेगा। 25 आपका क्या रहेगा यहाँ पे, गलत पद रहेगा। इसका मतलब यहां पे 37 बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, 37 बनना चाहिए था। कंप्लीट। आगे फिर सात की स्क्वायर और एक कम, तो 48 बन रहा है क्या, ये भी चेक कर लेंगे। बिल्कुल, तो योर करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें, 25। विषम पद क्या रहा आपका, 25। हाया ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को कि मैंने कौन सा पैटर्न इसके अंदर फॉलो करवाया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी बेहतरीन प्रश्न है और आपको उत्तर देना है साथियों कम से कम समय के अंदर, और ये मैं और प्रयास करूंगा, मैं आपके प्रश्न भी साथ साथ में चेक करता जाऊंगा कि कहीं किसी पद में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी भी मैं लेकर बैठा हूं, ताकि कभी कभार आपको पता है बाय मिस्टेक ऑप्शन में भी कुछ गलतियां निकल जाती हैं टाइप करते समय, और क्वेश्चंस के अंदर भी काफी गलतियां हो जाती हैं ना, इसलिए नंबर सीरीज में अगर एक डाटा भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों, 20, 24, 32, 48, 70 और 144 सीरीज बनाइए। कौन सा पद आपको इसमें असंगत लग रहा है, कौन सा पद इसमें रोंग है, कौन सा डाटा इसमें रोंग है। सबसे पहले ध्यान दीजिए साथियों, 20 20 और 24 के अंदर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो 4 का डिफरेंस। अच्छा, 24 और 32 के अंदर मैंने डिफरेंस निकाला 8 का। 32 और 48 के अंदर मैं अंतर देख रहा हूं साथियों, तो ध्यान दीजिए 32 और 48 के अंदर मेरा जो बन रहा है अंतर, वो बन रहा 16 का। 48 और 70 के अंदर मैंने अंतर जैसे ही देखा तो मैंने अंतर देखा जी 2, और यहां पर 6 में 4 गया, कितना बच गया, फिर से 2। यानी आगे मैं अंतर देख रहा हूं, तो 70 और 144 में से जैसे मैंने अंतर निकाला तो ये आपका 4 बच गया और यह 7, 74 आया ना। अब देखिए, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना कितना बनना चाहिए था यहां पे, 32। 32 आना चाहिए था, इसका मतलब यहां पर जो नंबर आना चाहिए था वो इसका 32 प्लस होना चाहिए था। 48 में से 32 ऐड कर दो, वो नंबर यहां पर बनना चाहिए, आया ना। 10, ये कितना बन गया, 80। कंप्लीट भी, यहां पर 32 बनना चाहिए था, भी दोगुना हो रहा है, 16 का दोगुना 32, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना आगे 64, इसका मतलब 70 गलत हो रहा है, भी 70 नहीं आना चाहिए था यहां पे। कंप्लीट, तो 70 आपका क्या हो गया, एक असंगत पद हो गया, तो 70 आपका यहां पे करेक्ट आंसर बैठेगा, आया ना। अपने को रोंग नंबर ऐड करना था, अपने को रोंग नंबर चुनना था कि रोंग नंबर क्या आपका बन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं 25 से 30 सेकंड का, और मैं ये मानकर चलता हूं कि 25 से 30 सेकंड में आपका प्रश्न हल हो जाएगा। और एक भाई, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर किया करो, जो भी बच्चा इस सेशन को मॉर्निंग 9 बजे देखता है, अन्य साथियों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थियों को इससे फायदा मिल सके। चलिए, हाँ जी, तो ये 2 भी प्रैक्टिस आपका बैच भी है, ये भी मानकर चलिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा नंबर है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इसका मतलब अपने सीरीज को पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं क्या। चलो, 19 और 32 में से जैसे ही मैंने अंतर निकाला तो मेरे को इसके अंदर अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 19 और 32 में से डिफरेंस देखिए, 19 और 32 में डिफरेंस देख सकते हैं साथियों, कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, 90। ये 12 3 आ गया साथियों, यहां पे 1, यानी 13 का अंतर मेरे पास यहां पे बैठ रहा है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आपने डिफरेंस देखा तो 49 और 32 में अंतर देखिए, 49 और 32 में जैसे आपने अंतर को काउंट किया तो ये आपका 7 हो गया साथियों, ये आपका 3, 17। इसका मतलब सीरीज बन रही है साथियों, है ना, चार चार का अंतर आएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हो सकता है आपके प्राइम नंबर का अंतर बन जाए तो ये प्राइम नंबर को भी फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला, 68 में से 49 कम करेंगे, 18 में से 9 गया 9 साथियों, 5 में से 1 4, 19 प्राइम नंबर बन रहा है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से फिर कम करेंगे, 11 में से 8 कितना हो गया साथियों, 3 बनता है यहां पे, और यहां पर बच गया आपका 8 और 6 23, वाह। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपका प्राइम नंबर बनना चाहिए नेक्स्ट, मतलब 10 में से 1 गया 9 कंप्लीट है, और ये आपका 11 में से 9 गया 2 कंप्लीट, शाबाश, यानी नन ऑफ दीज, हर एक नंबर सही बन रहा है, सीरीज सही हो रही है, इसलिए आपको एग्जांपल में नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया होता है, इनमें से कोई नहीं,
है ना, none of these इनमें से कोई नहीं, देख सकते हैं 13, 17, 19, 23 और 29, इट इज प्राइम नंबर, यानी कि ये जो सीरीज आपकी वो अभाज्य संख्या को प्रदर्शित कर रही है, प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना। तो ये भी ध्यान देकर चलेंगे कि इसके अंदर कोई भी पद आपका रोंग नहीं है, ठीक है जी, कोई भी इसमें संख्या गलत नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं, शाबाश। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शाबाश, जल्दी से जल्दी बनाइए, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों का उत्तर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स साथियों आंसर करने के लिए दिया जाता है, और आप आंसर किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, अब डिफरेंस मत निकालो, कहीं ना कहीं दोगुना हो रहा है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है भाई, डिफरेंस तो तब करते अगर नंबर क्लोज होता, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर क्लोज ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस ना करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा होगा, बहुत ज्यादा आगे हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये इसका कितने गुना है साथियों, 4 गुना, अच्छा ये इसका कितने गुना आगे पता नहीं भाई, चलो ये बता सकते हैं कितने गुना है, 7 × 6 = 42, 7 गुना, ठीक है, ये इसका कितने गुना है साथियों, 0 से 0 कट गया, 42 एकम 42 42 एकम, ठीक है भाई, चलो 11 गुना इसका, अच्छा ये भी प्राइम नंबर बन रहा है, इसका मतलब यहां पर 2 गुना, ये 7 गुना, ये 11 गुना, ये नंबर मेरे को उत्तर देगा, मुझे लगता है ये नंबर उत्तर देगा, तो इसके बाद में प्राइम नंबर 3 आता है, 4 × 3 = 12 बनना चाहिए, फिर आगे 12 × 5 = 60, 5 गुना, शाबाश, 2 × 3 = 5 = 7 = 11, इट इज प्राइम नंबर, देख लो भाई प्राइम नंबर पर कितने क्वेश्चन आते हैं, अब हर एक बच्चे को प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या के बारे में मैंने कल के लेक्चर में बताया था, नहीं पता तो कल का लेक्चर अवश्य देखें, बन रहा है ना भाई, रोंग नंबर मिल गया अच्छे से, इसका मतलब यहाँ पे 12 आना चाहिए था, ठीक है 12 × 5 = 60 तो सही है, 16 में दिक्कत थी, 4 × 3 = करेंगे तभी तो 12 बनेगा, तो यहाँ पर 12 आना चाहिए था, तो मिस नंबर कौन सा भी आपका, रोंग नंबर कौन सा है, 16 कंप्लीट है, आगे 12 × 5 = 60, 5 तो सही बैठ रहा है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ जी आगे बढ़े इसी के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बहुत ही अच्छा, लाजवाब उम्दा, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से जल्दी, सभी बच्चों का उत्तर इसमें आना चाहिए, और इस प्रश्न को देखते ही आपका उत्तर आना ही चाहिए, वास्तविक तौर पे मैं आपको इसमें 10 सेकंड दे रहा हूं, मात्र 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए साथियों, चलो अरे भाई स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रश्न में, आई कुछ नहीं, देखो क्यूब बन रही है, 2 की क्यूब, अच्छा उसके बाद में 4 की क्यूब, फिर ये आपकी 6 की क्यूब, आगे 8 की क्यूब आनी चाहिए थी, है नहीं, कितनी होती 8 की क्यूब, 512, यस और नो, आगे 10 की क्यूब बन रही है 1000, तो आगे फिर 12 की बननी चाहिए, 12 की क्यूब 1728, राइट, इसका मतलब गलती कहां हुई है, 522 में, 522 आपका यहां पे करेक्ट उत्तर है, तो 522 की जगह पर क्या आना चाहिए था, 512, जो कि आपकी 8 की क्यूब बैठती है, यस और नो, ठीक है, तो बेहद आसान प्रश्न है ये, मैंने आपको कल ही बता दिया था और फिर से बताऊंगा कि स्क्वायर स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब और क्यूब याद होनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए, बेसिक डाटा है, ठीक है, और टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन और नंबर सीरीज दोनों ही टॉपिक को कंप्लीट करके देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर एक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, शाबाश बनाइए, देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां पे, 4 का अंतर है, आगे भैया 8 18, 2 और ये आगे किसका अंतर है भैया, 7 का अंतर है, शाबाश, फिर आगे बढ़ते हैं कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, फिर आगे बढ़ते हैं कितने का अंतर है, देख लो 5 15, फिर आगे बढ़ते हैं कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, 4 और 1 = 14, चलो कुछ सेट बैठ रही है क्या, कोई सीरीज बैठेगी बच्चों, क्यों नहीं बैठेगी, डबल डिफरेंस सीरीज बन रही है, देखो ध्यान से देखो मेरी नजरों से, 3 का अंतर,
तीन का अंतर, इसका मतलब आगे भी तीन का अंतर, और आगे तीन का अंतर इसका मतलब यहां क्या बनेगा, तेरा, दस और तीन तेरा, फिर ये तीन का अंतर, फिर आगे भी तीन का अंतर, इसका मतलब यहां क्या बनना चाहिए, सोलह, फिर तो तीन का अंतर बैठेगा, ठीक है, यहां पर भी आपका कंप्लीट, यस और नो। तो यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, तेरह, यहां पर तेरह होना चाहिए, यानी इनके मध्य अंतर तेरह, तो इसमें तेरह ऐड कर दो, पैंतीस में से तेरह ऐड करेंगे, इतना इतना अड़तालीस, अड़तालीस आपका यहां पे करेक्ट उत्तर बैठेगा, अड़तालीस, यानी पचास में गड़बड़ है, पचास में गड़बड़ है, ये आपका रोंग नंबर है, यहां पर अड़तालीस आना चाहिए था, आपने पकड़ लिया, अड़तालीस और चौसठ में अंतर करके देखिए सोलह ही बनेगा कंप्लीट, तो तीन तीन का अंतर बैठ रहा है, देखो तीन तीन का अंतर बैठ रहा है, तो इसको बोलते हैं साथियों डबल डिफरेंस्ड सीरीज, और ये मैंने आपको बताया था कि डबल डिफरेंस इस सीरीज को भी फॉलो करते हुए चले जाना है, ये मेथड आपका बहुत अच्छा मेथड है कि जब आपकी कोई भी सीरीज ना बने तो आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, क्या पता डबल डिफरेंस इस सीरीज तो नहीं बन रही, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा, लाजवाब, उम्दा, बिंदास। उत्तर दीजिए बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, शाबाश। चलो समय समाप्त, स्टार्ट करते हैं, क्लोज क्लोज नंबर है, डिफरेंस निकाल लो भैया, कितने का डिफरेंस आ गया, 34 और 15 में से 14, 5, 9, 1, 19 का अंतर आ गया क्या, 19 का अंतर आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, 315 में और 277 में 8, और यहां से बच गया 3, 38 का अंतर आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये बन गया आपका 7, 27, 22, 57 का अंतर आ गया, क्या बात है, समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, अरे समझ रहे हैं साथियों, 19 का पहाड़ा चल रहा है, हाँ किसका पहाड़ा चल रहा है मेरे भाई, 19 का पहाड़ा, चलो नेक्स्ट बनाओ फिर, 19 का पहाड़ा यहां तक तो आ गया, 19 दूना 38, 57 आगे 76 और 95 बनना चाहिए, बनाइए, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा, बन रहा है आगे क्या, चलिए 220 में से 144 कम कर दिया मेरे बच्चों, यहां पर बनता है 6 और यहां पर कितना बनेगा, 76 बन रहा है भैया, मतलब अगले वाला पद खराब है, फिर अगले वाला पद क्या, कैसे खराब है, 19 दूना 38, 57, 76 और 95, 19 पंजा 95 बनना चाहिए, अंतर कितने का बन रहा है, 45 कम करके देखिए साथियों, 14 में से यहां से 5 जाएंगे, कितना बच गया, 9, हाँ या ना, इसके बाद में 13 में से यहां से 4 99, अरे मेरे भाई 95 बनेगा, इसका मतलब 95 बनेगा, तो इसमें से 95 कम कर दोगे, कितना बन जाएगा यहाँ पे 49, इसका मतलब यहाँ पे कितना बनना चाहिए था, 49, तो 45 आपका यहाँ पर क्या है, गलत पद है, 45 आपका क्या है, रोंग नंबर है, यस और नो, 45 क्या है, रोंग नंबर, टेबल भी याद कर लो, टेबल कब याद करोगे, मेरे सभी स्टूडेंट्स डियर, टेबल तो याद ही करनी पड़ेगी ना, टेबल कब याद करोगे, कंप्लीट, तो आशा करता हूं ऑल ओवर स्टूडेंट्स को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, तो कई बार मेरे बच्चों टेबल बन रही होती है, पहाड़ा भी होता है, जब डिफरेंस करने बैठते हैं तो पहाड़ा बनता होता है, पहाड़े जब तक याद नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह गलत है या सही है, इस वजह से टेबल्स लर्न कर लो, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी साथी, हाँ जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह भी वाह, इस प्रश्न को जो बच्चा करेगा मैं ये मानकर चलूंगा कि बैंक एएफओ प्रीलिम्स उस बच्चे का अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये भी मानकर चलूंगा कि अभी तक क्वांट्स में जितने भी उसने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, तीन से चार टॉपिक जितने भी हो चुके हैं साथियों, वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और नंबर सीरीज तो आपके हाथ में है, ये मैं मानकर चलूंगा, अगर किसी बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, हाँ जी शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, लाजवाब है,
क्योंकि इसके अंदर दो नंबर मैंने सेम दे दिए और ये मैं पजल करने के लिए दे रहा हूं आपको। यहां तक तो पता नहीं चलेगा, उत्तर मेरे को ये वाला नंबर देगा। मुझे ये लगता है ये वाला नंबर मेरे को आंसर देगा। 16 5 80 बन रहा है ना, 16 5 80 पांच गुना बन रहा है इसका, और प्लस पांच भी बन रहा है, 800 और 5 805। अच्छा चलो, पांच गुना प्लस पांच, ये चार गुने के आसपास में होना चाहिए। भी अगर यहां पे 40 होता तो ये चार गुना बन जाता ना, अप्रोक्सीमेशन भी लगा रहा हूं। अगर यहां पे 40 होता तो ये चार गुना हो जाता, 39 है तो ये चार गुना तो होगा, ठीक है। तो 39 का चार गुना कितना होगा साथियों, 9 चौका 36 का 6 कैरी आया 3, 4 ती 12 और 3 कितना होगा 15, यानी 4 ऐड हो रहा है, 156 में 4 ऐड करेंगे 160 बन जाएगा। ये लो जी सीरीज बन गई मेरे बच्चों, तालियां, सीरीज बन गई, क्या बात है, उम्दा प्रदर्शन, शाबाश, ठीक है। ये आइडिया लगा सकते हैं आप ऐसे, इसका मतलब नेक्स्ट 12 ती 36 और प्लस 3 39, ये लो हलवा था एकदम क्लोज, गेम ओवर। इसका मतलब साथियों ये क्या बनेगा फिर, दो गुना भाई, यहां पर दो गुना बनना चाहिए, और दो गुना प्लस दो, दो गुना प्लस दो का मतलब यहां पर क्या बनना चाहिए, पांच बनना चाहिए ना, पांच का दो गुना 10 और प्लस दो, 10 और 2 12, तो यहां पर पांच आना चाहिए। ये वाला चार गलत है, अगर यहां पर पांच होता तो पांच का दो गुना प्लस दो कर देते तो 12 बन जाता, और यहां पर चार, चार और पांच के मध्य अंतर एक गुना प्लस एक, चार एकम चार और एक पांच, भी चार और पांच का रिलेशन कैसे दिखाओगे, चार एकम चार प्लस एक तो क्या पांच बन जाएगा क्या, यानी सेकंड पद आपका गलत है, यहां पर गड़बड़ थी, यानी ये वाला चार आपका गलत आएगा, यहां पर क्या होना चाहिए पांच होना चाहिए, क्या स्वर्ण। तो ये थी साथियों आपकी रोंग नंबर सीरीज, वेरी इजी, बस थोड़ा ध्यान देना है माइंड सॉल्विंग मेथड पर। जब तक खुद से सोचेंगे विचारेंगे नहीं, जब तक खुद से नहीं सोचेंगे साथियों, तब तक आप इसके अंदर पकड़ नहीं कर पाएंगे। मिस नंबर सीरीज में तो पता है कि अगला पद कैसे ना कैसे बनेंगे ही, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है अच्छे से, तो ये मैं मानकर चलता हूं कि आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं सभी बच्चों को, हाँ जी, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और आप इसमें होमवर्क करके लेके आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, शाबाश, कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। हर एक बच्चा इसका पैटर्न बनाएगा, तैयार करेगा सीरीज को, जल्दी से जल्दी कंप्लीट, हाँ जी, इसको फॉलो करें, इसका कौन सा पैटर्न बनेगा होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क में दे रहा हूं साथियों, शाबाश, हर एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट। तो ये था अपना आज का सेशन साथियों, जिसके अंदर अपने रोंग नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, दो पार्ट अपने मिसिंग नंबर सीरीज के हो चुके हैं, और इसका एक पार्ट हो चुका है आज, कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे। थोड़े से प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं आपके बैंक एएफओ के, उनमें से जो प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, जो कि आपके रोंग नंबर सीरीज से हैं, मैं वो प्रश्न भी लेके आऊंगा, आईबीपीएस से संबंधित जो बैंक में प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पार्ट टू का मतलब होता है कि थोड़ा सा लेवल इसमें इंक्रीज रखा जाएगा, ठीक है जी। ये सेशन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको अच्छे से देखना है साथियों। मिलते हैं कल रोंग नंबर सीरीज के पार्ट टू में, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।